हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश JVT वर्सेज BEd केस के बारे में। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि आज मेरी हेल्थ ख़राब है और मैं YouTube से 2-3 दिन का जो ब्रेक है वो ले रहा हूँ, लेकिन दोस्तों Instagram पे लगभग मुझे 79 ऐसे कैंडिडेट्स के क्वेश्चन आए कि हम ग्रेजुएट हैं, क्या हमें BEd करनी चाहिए या JVT करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो इसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ है कि हम ग्रेजुएट हैं, क्या हम BEd करें या हम JVT करें। आपको इस वीडियो के अंत तक ये जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है मैं थोड़ी इमरजेंसी में बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स का यही क्वेश्चन आ रहा है। आप खुद सोचिए, 79 कैंडिडेट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं क्योंकि वह कंफ्यूज है, तो मुझे लगा ये जो वीडियो है वो बनानी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले हम बात करेंगे एक्चुअल में ये जो JVT और BEd का केस है वो क्या है। तो देखिए दोस्तों, क्या चला हुआ है कि ये जो JVT वाले हैं, ठीक है, और यहाँ पर आ गए हमारे BEd वाले। अब ये देखिए, अगर आपने BEd कर ले तो आपका सिस्टम साफ हो गया, ठीक है, आपका आप एक साइड हो गए। लेकिन यहाँ पे केस क्या चला हुआ है कि अगर आपने JVT करी है तो ये जो BEd वाले हैं वो भी JVT की जब पोस्ट निकलेगी तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम ग्रेजुएट हैं तो हम JVT क्यों करें, जब हमें JVT वाले जो फ़ायदे हैं वो BEd करके मिलेंगे। अगर हमने BEd करी है तो हमें BEd में अप्लाई करने का भी मौका मिलेगा और साथ ही साथ हम JVT में भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो यही आ गया कि हम ग्रेजुएट होके JVT क्यों करें, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आपके लिए ये जो डिसीजन है वो इजी नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, अभी तक जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट है उन्होंने ही कहा है कि जो अभी हमारा कमीशन आएगा उसमें BEd वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो पूरा मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ है, जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट से आएगा उसी के अकॉर्डिंग जो चीजें हैं वो डिसाइड होगी। अब मैं आपको ये नहीं कह सकता कि जो फैसला है BEd के हक में आएगा, मैं आपको ये नहीं कह सकता कि जो फैसला है वो JVT के हक में आएगा। लेकिन दोस्तों, यहां पे जो अभी सिचुएशन बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग यही है कि जो BEd वाले हैं वो JVT के कमीशन में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर आपने एक चीज सोचनी है, अगर आप ग्रेजुएट हो, मान लो आपने BEd कर ली, ठीक है, आपने BEd भी कर ली, तो दोस्तों आप जब JVT की पोस्ट में भी अप्लाई करोगे तो आफ्टर ग्रेजुएशन आपका JVT करने का क्या फायदा हुआ, आप खुद ही सोचिए, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे बस यही है कि ये जो आपका सवाल है इसका सीधा सा आंसर है, ठीक है। देखिए, अगर आप ग्रेजुएट हो तो मेरा ये मानना है कि आपको BEd करनी चाहिए। और दोस्तों, यहां पे आपने इस चीज का ध्यान भी रखना है कि कल को जो केस है उसका जो डिसीजन है वो BEd के पक्ष में भी आ सकता है, JVT के पक्ष में भी आ सकता है। तो आपने अगर कोई भी निर्णय लेना है तो अपने पेरेंट्स के साथ बैठिए, पूरी चीजों को डिस्कस करिए, फिर उसी के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लीजिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही क्लियर करा है, कल को ये जो डिसीजन है वो BEd के पक्ष में भी जा सकता है, JVT के पक्ष में भी जा सकता है। ये जो चीज़ें हैं मैं आपको करंट सिचुएशन के ऊपर बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों फ्यूचर में क्या होगा इस चीज़ को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। दोस्तों, उम्मीद है आप जो निर्णय है वो सोच समझ के लेंगे, ठीक है दोस्तों। अभी भी कोई क्वेश्चन आता है आप इंस्टाग्राम पर बेझिझक मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम ID का जो नेम है वो मैं फर्स्ट कमेंट में आपको पिन कर दूंगा। दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।